हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. आई एम प्रदीप. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग. ठीक है, एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप मेंस में जाते हो तो यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी. आप उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई टफ कैलकुलेशंस नहीं है. बस देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम कि इसमें क्या होता है कि लाइक जो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती हैं. ठीक ना, यू विल गेट योर आंसर्स विद इन 2 पेज और इन 3 पेज. तो इसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो थोड़े लेंदी हो जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट टफ नहीं है. आपको यूनिट टेस्ट दिया होगा, बाकी सबको आपको कैलकुलेट करके लिखना ही होता है. ओके, तो इसमें आपका सब्जेक्ट टफ नहीं है. ठीक है, बस इसकी जो कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल्स से वो बहुत लॉन्ग है. ओके, लेकिन जब आप ये मेन्स में जाओगे तो वहाँ पर ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन प्रीलिम्स और मेंस में, आपके मेंस में ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी नोटिफाइड विद इन इन अ वीडियो. ओके, दैट इन प्रीलिम्स देर विल बी 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चंस. ठीक है, इस सब्जेक्ट से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इन प्रीलिम्स. देर में भी 6 to 7 मार्क्स, बट वो बहुत रेयर केसेस होंगे. ठीक है, यहाँ से जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होंगे विल बी अराउंड 5 to 6 मार्क्स. अब 5 to 6 मार्क्स जो हैं यहाँ से, अब ऐसा भी नहीं कि एकदम न्यूमेरिकल्स ही पूछ लेगा, बट दे कैन आस्क वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स. ओके, वो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे, दैट वी विल कवर इन आवर लेक्चर. राइट, एंड वन मोर थिंग, यहाँ से जो लॉन्ग न्यूमेरिकल्स है ठीक है, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आई थी हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट. तो आई विल रिकमेंड कि अभी आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रेदर देन कि आप उसकी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को करें. लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यू विल गेट सफिशियंट टाइम गैप बिटवीन प्रीलिम्स, बिटवीन द प्रीलिम्स रिजल्ट एंड मेंस एग्जाम. ठीक है, जो आपके रिटन एग्जाम होंगे उसके बीच में यू विल गेट सफिशियंट टाइम. यू विल गेट लाइक 45 or 50 days. ठीक है, ऐसा नहीं कि आज बोला और कल जाके 10 दिन बाद आपका मेंस का रिटन टेस्ट करा दिया, नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है, यू विल गेट सफिशियंट टाइम. तो उस टाइम पीरियड में यू कैन प्रिपेयर योर लॉन्ग न्यूमेरिकल्स. बट अभी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स करना इज नॉट अ वाइज टास्क कि आप इसको आसानी से करो, लाइक इसको करो और फिर अपना टाइम खराब करो. नहीं, आप यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बुक्स भी अपलोड कर दी है, आप बुक्स को वहाँ से डाउनलोड करो. मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करता हूँ डिफरेंट स्टेट के, यही कि मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर करे, आप उनको डाउनलोड करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, तो प्रीलिम्स में 5 to 6 मंथ्स अभी हमें इसी को ही फोकस करना है. ठीक है, तो हम जब ये करेंगे सब्जेक्ट को तो हम लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को भी नहीं करेंगे, बिकॉज लॉन्ग न्यूमेरिकल्स करने का कोई अभी हमारे पास यू कैन से कि उसका भी कोई हमारे पास लॉजिक नहीं है कि हम लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को करें और उसमें हम 2 आवर्स लाइक हम ज़्यादा टाइम दे, लाइक 30 मिनट 45 मिनट एक क्वेश्चन को करने में. ठीक है, भले ही वो आपका हो जाएगा लेकिन अभी उसका कोई यूज़ नहीं होगा आपके लिए. वो ज़्यादा यूज़फुल तब होगा जब आप जाओगे बेंट का रिटर्न का एग्ज़ाम दे रहे होगे, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे इसको डिटेल में. बट अभी के लिए हम लोग इसको करेंगे जस्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव. बट उसमें मैं आपको अगर दे आस्क सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. और ऑब्जेक्टिव में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फाइन. तो आप इसको प्रीवियसली उठा के देखोगे, जो मैंने बुक लिखी हुई है ठीक है, मेरी जो बुक है वो भी पब्लिश हो गई है. ठीक है, तो आप उस बुक में भी देखोगे तो हर साल दे आर आस्किंग 20 मार्क्स क्वेश्चंस. ठीक है, हर साल 20 नंबर का क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं. एक्चुअली आपके यहाँ का फिक्स है देयर इज 8 to 9 सब्जेक्ट, तो वहाँ से वो 20 20 मार्क्स के क्वेश्चंस वो ठीक है 20 20, और आपके इस्टीमेट वाटर सप्लाई से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से 40 मार्क्स था, बाकी सभी से वो 20 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपका 200 मार्क्स का वो कवर हो जाता है. ठीक है, अच्छा इसमें की जोड़ है देयर इज अ सब्जेक्ट पर 10 CPM. पर 10 CPM ठीक है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स. ठीक है, पर 10 CPM. ठीक है ना, क्रिटिकल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट या क्रिटिकल प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट. ठीक है, तो यहाँ से एक बार 2016 में, यस 2016 में उसने क्वेश्चंस पूछा हुआ, 2016 और 13 वहाँ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पर CPM से, बट दैट क्वेश्चन वॉर वेरी इजी, उसमें कोई टफ नहीं था, आप उस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व. इफ़ वी गेट सम टाइम्स तो उसको हम लोग मेंस में कर लेंगे, बट अभी के लिए आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है ना,
इसको सीपीएम में कोई इसको क्रिटिकल पाथ भी बोल देते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, तो वो सब नहीं। अब क्रिटिकल पार्ट और सीपीएम देखिए, ठीक है ना, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अगर टाइम मिला उसे मेंस में करने को तो हम लोग वहाँ पे करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में अभी आपको इसको नहीं करना, अभी आपको केवल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट विल बी द सिलेबस, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में कुछ खास लिखा नहीं उन्होंने, आपके यहाँ का जो सिलेबस है सिलेबस में कुछ खास मेंशन नहीं करा हुआ उन्होंने, ठीक है। बट जब क्वेश्चंस की आपको बताओगे कि मैंने इसके सारे सब्जेक्ट के आपको डिटेल सिलेबस भी अपलोड करे हुए हैं, ठीक है, तो आप उस सिलेबस को प्रेफर करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसने डिटेल सिलेबस नहीं मेंशन करा हुआ है आपके कमीशन ने, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप डिटेल सिलेबस को प्रेफर करो और उसी के बेसिस पे आप अपने प्रिपरेशन करो, तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। चलो और देखते हैं यहाँ पे, अब सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ द एस्टिमेशन कॉस्टिंग, टी द बेसिक कंसेप्ट एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, इसके लिए क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट है, क्यों करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, व्हाट इज द नीड ऑफ इन सब्जेक्ट में, एज अ सब्जेक्ट हमें इसको पढ़ने क्या रिक्वायरमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर्स। मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल्स एंड वर्क्स, ठीक है, लाइक सीमेंट का है तो नंबर आप बैग से मेजर करते हैं, ठीक है ना। आपकी रेनफोर्समेंट है उसको क्विंटल के फॉर्म में, डोर्स हो गए उसको नंबर्स के फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। ब्रिक्स हो गया नंबर्स के फॉर्म में करते हैं, वॉल है मीटर स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं, कॉन्क्रीट है उसको मीटर क्यूब के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए है यहाँ पे सेकेंड चैप्टर, मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड वर्क। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द एस्टिमेट, नेक्स्ट चैप्टर इज टाइप्स ऑफ द एस्टिमेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एस्टिमेट, जब हम किसी बिल्डिंग हो गया या फिर कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसकी जब कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड टू कैलकुलेट दियर कॉस्ट। अब ये इस्टीमेट इट डजन मीन कि आपको कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की बात करेगा साथ में जब आपके पास उसकी टोटल क्वांटिटी पता होगी, ठीक है। सपोज आपसे कहा गया इस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप उसको डायरेक्टली यू कैन नॉट टेल कि इतनी कॉस्ट होगी इसकी नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको वॉल उस बिल्डिंग में किस किस कंपोनेंट में कितना कंक्रीट कितना मटेरियल्स लगा है, ये जब तक आपको पता नहीं होगा यू कैन नॉट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल सी वेरियस टाइप्स ऑफ द मेथड, की आपका डिटेल मेथड क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट मेथड क्या हो गया, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एस्टिमेट एंड कॉस्ट में कि हम कितने टाइप्स के एस्टिमेटिंग करते हैं, उसकी यूजेस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, ठीक है, वी विल सी। नेक्स्ट, डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछता है 20 मार्क्स में, 20 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यहाँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है ना। डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग, वहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन द एनालिसिस ऑफ द रेट्स, रेट्स की एनालिसिस, ठीक है, हम जैसे खरीदने जाते हैं सीमेंट खरीदने गए, एग्रीगेट खरीदने गए, सैंड को खरीदने गए, रेनफोर्समेंट को खरीदने गए, तो उनके रेट्स क्या है और उनके रेट किस बेसिस पे हैं, क्या वो नंबर ऑफ बैग्स, अब सीमेंट के गए हैं खरीदने तो ऐसा नहीं कि कितने क्यूब सीमेंट आप उठा के लिए उसकी कॉस्ट होगी, नहीं, कितने नंबर ऑफ बैग्स होंगे उसके बेसिस पे होगा। हम ब्रिक्स को बाय करने जाते हैं तो ब्रिक्स किसके फॉर्म में आता है, नंबर्स के फॉर्म में, कि 2000 ईंटें दे दो, 4000 ईंटें, उसका कितना कॉस्ट है, तो पर ब्रिक कितनी कॉस्ट है वो हो गया, तो एनालिसिस ऑफ रेट में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट मैं आपसे कहूँ तो रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट किसके फॉर्म में होता है, क्विंटल्स के फॉर्म में, ठीक है। रेनफोर्समेंट का जो रेट्स होते हैं वो क्विंटल्स के फॉर्म में चेक होते हैं कि पर क्विंटल कितनी कॉस्ट है, ठीक है। अर्थवर्क कैलकुलेशन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ लोग इसको छोड़ने की सोच रहे होंगे, नहीं इसको नहीं छोड़ना, आप लास्ट ईयर देखोगे तो यहाँ से अर्थवर्क कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन पूछा था 2018 में जब आपका AE का क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है। तो आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, ठीक है, आपसे बोल देगा कि आप जो फाउंडेशन के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, दैट इज द ट्रेपोजॉइडल शेप, ठीक है, जरा बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ें आपसे पूछ सकती हैं, वो लोग पूछ सकते हैं, लेकिन इन सबको ज़्यादातर हम फोकस करेंगे मेंस में, ठीक है ना, वी विल मोर फोकस ऑन मेंस, ठीक है। इस पे भी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स होंगे बट सिंपल एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी अर्थवर्क कैलकुलेशन है, फाउंडेशन का भी हो सकता है, ठीक है ना, रोड का भी अर्थवर्क कैलकुलेट करने को बोल सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिटेल्ड एस्टिमेट को भी हम देखेंगे, ठीक है ना, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ स्टील एंड आरसीसी एलिमेंट, ठीक है, जैसे आपका फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ हो गया, वॉल का एस्टिमेट करना है, ठीक है ना, ये सपोज ये वॉल्स हो गए, अब इस वॉल की कितनी कॉस्ट होगी और इसका
कितना इसमें मटेरियल लगा हुआ, इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू मोर फोकस ऑन मेजरमेंट, स्टीमेट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द रेट, अर्थ वर्क कैलकुलेशन। बाकी ये और ये और ये न्यूमेरिकल्स वाले हैं, लॉन्ग न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ से 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बट यहाँ से जो मैंने मार्क करा है इनको आप फोकस करना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप SSC के, ठीक है, SSC JEE के आप प्रीवियस ईयर उठा लो, ठीक है ना। SSC JEE के आप प्रीवियस ईयर उठा लो, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, वहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चंस पूछे हैं, उन्हीं को आप रट डालो, तो देर इज़ मोस्टली चांसेस कि आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग, जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चन हैं, दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। यू के नॉट स्किप दैट क्वेश्चन। आप SSC JEE में देखोगे तो एक्चुअली आई हैव अ बुक एंड आई हैव माई ओन स्टडी मटेरियल्स ऑल्सो कंटेंट, तो मैंने वहाँ से बनाया। आप वहाँ से देखोगे तो प्रीवियस ईयर के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन SSC JEE में जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के हैं वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करोगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग के, वो आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके थोड़ा सिलेबस का डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ओके। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द एस्टिमेट, ठीक है। एक्चुअली इट इज मेड बाय टू टर्म्स, ठीक है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, ठीक है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द एस्टिमेशन, ठीक है ना, व्हाट इज द एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन इज द टेक्निक्स, ठीक है, इट इज द टेक्निक्स टू कैलकुलेट और कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स। सिंपल, आप एक घर बनवा रहे हो, ठीक है ना। अब आप एक यू आर बिल्डिंग G+2 story का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो G+2 story का, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि G+2 story स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, G+2 story स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो आपका G+2 story स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें मटेरियल्स की नीड किसकी किसकी होगी, इसमें कंक्रीट लगेगा, ठीक है, स्टील लगेगा, ठीक है, एग्रीगेट्स लगेंगे, मोर्टार लगेगा, सीमेंट लगेगा, ओके, सैंड लगेगा, और इस पर क्या लगेगा, आपके ब्रिक्स लगेंगे, ठीक है, POP लगेगा, ठीक है, पेंट लगेंगे, डोर्स लगेंगे। तो इन सब का एक एस्टिमेट आपको होना चाहिए। एस्टिमेट मतलब कि कितने नंबर्स लगेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। भाई आप G+2 story बनाने जा रहे हो तो आपको पता हो जाए ना कि कितने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है और इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। जब आप क्वांटिटीज़ की बात करते हो तो एस्टिमेट आपको क्या है, देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो क्वांटिटीज़ को आपको एस्टिमेट क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है, कि आप इस कंस्ट्रक्शन करते इसमें इतना क्यूब, 10 क्यूब या 15 मीटर क्यूब आपको कॉन्क्रीट लगेगी, 2 टन स्टील लगेगा, ठीक है, 10,000 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे, ठीक है, 500 नंबर्स ऑफ आपका सीमेंट लगेगा, ठीक है। आप इन सबको, आपको ये सब कैसे पता चला कि 500 लग रहा है और 10,000 ब्रिक्स लग रहा है, 2 टन क्विंटल वुड या 2 क्विंटल या 2 टन आपका रेनफोर्समेंट लग रहा है, ये कैसे पता। ये हम यहाँ से पता करके बताते हैं, एस्टिमेशन करके एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मेथड्स हैं, वी विल सी, ठीक है। तो एस्टिमेट का सिंपल सा मतलब है, इट इज़ अ टेक्निक टू कैलकुलेट और टू कंप्यूट द रिक्वायर्ड मटेरियल्स या मटेरियल्स, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया आपका, एस्टिमेशन। अब इस एस्टिमेशन में ऐसा नहीं कि केवल कंक्रीट का पता कर लिया, नहीं, सारे मटेरियल्स आ जाएंगे, जितनी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो सारे मटेरियल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका एस्टिमेशन, तो ये हो गया एस्टिमेट, ठीक है। अब कॉस्टिंग क्या होती है, अब यहाँ पे देख लो कॉस्टिंग, ठीक है। अब कॉस्टिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट थिंग, आपने सारा का एस्टिमेट निकाल लिया, ठीक है ना, आपने एस्टिमेट कैलकुलेट कर लिया कितनी कितनी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। अब एस्टिमेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट पता करते हैं कि जो मटेरियल्स लग रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, कितना पैसे उस पर एक्सपेंड हो रहे हैं, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है।
ठीक है, ये किस में आ जाता है आपका, कॉस्टिंग में। जब आप क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स पता करते हो तो आपका एस्टिमेशन आ जाता है। कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग आपको पैसा बताता है कि भाई साहब आप जो बना रहे हो इतने पैसे किस में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये कौन बताता है आपका, कॉस्टिंग बताता है। सपोज बी द एग्जाम्पल, आप जी प्लस टू स्टोरी स्ट्रक्चर बनवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, आपने कहा कि भाई इसमें जो लग रहा है वो आपने कहा कि यहाँ पे जो पैसे लगेंगे दैट विल बी लाइक 15 लाख रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, ये कैसे पता 15 लाख लगेगा। ठीक है, आपने कहा कि आपने बिल्डर्स को दिया, बिल्डर्स ने डिजाइन बनवाया, आपने उसको कंपिटेंट अथॉरिटीज उसको पास करवाया, ठीक है ना, वो उसको डिजाइन को, फिर आपने उसकी एस्टिमेशन करी कि कितने कितने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। मटेरियल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ठीक है, हम उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एक एक्सपेंडिचर एक अमाउंट मिल जाता है कि भाई जी प्लस टू स्टोरी बना तो उसमें हमें 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, फिर 15 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, तो ये कैसे पता, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, बट इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस एस्टिमेशन कॉस्टिंग। भाई आप एस्टिमेट, आप ये बना रहे हो, ठीक है ना, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो आप एस्टिमेशन के लिए, ठीक है ना, आप एस्टिमेशन बना लिए बिल्डिंग्स के लिए, इसकी नीड क्यों है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, डायरेक्ट वैसे ही बनवा लें। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एस्टिमेशन, आई एम रेजिंग दिस। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एस्टिमेशन। ठीक है, यू कैन से मेबी दिस इज वेट, ओके, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, व्हाई वी नीड दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, व्हाई वी नीड दिस एस्टिमेशन रिक्वायरमेंट, ऑल राइट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल गेट अ आइडिया। ठीक है, आइडिया अबाउट द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूँ, टू गेट द आइडिया, ओके, टू गेट द आइडिया, ठीक है, अबाउट द कॉस्ट, अबाउट द कॉस्ट ऑफ, अबाउट द आइडिया, अबाउट द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि ये सॉरी आपको एक आइडिया मिल गया, ठीक है ना, आपने जब स्ट्रक्चर का जी प्लस टू का पॉइंट किया तो आपको एक आइडिया मिल गया कि भाई ये जो हम स्ट्रक्चर बनाए उसमें इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आप यू कैन चेक फिजिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, आप जो स्ट्रक्चर या जो कंस्ट्रक्शन का उसकी फिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, नहीं तो पता चला कि आपको पैसे हम वहाँ पे, जैसे अभी हम यहाँ की एक कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, ठीक है, बनवाने में एकदम ओवर कॉस्ट हो गया वो, ठीक है ना, इकोनॉमिक है ही नहीं, पैसा ज़्यादा मिल गया और आपका जो इनकम है वो कम है, तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट को हम चूज़ करते हैं, इन सारे मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द, ठीक है ना, एस्टिमेशन एंड टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो यहाँ पे कर लो, टू चेक द फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, फिजिबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, जब आपने एस्टिमेशन कर लिया तो यू कैन चेक, यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। भाई आपने जब एस्टिमेशन किया, आपने एस्टिमेट करा हर एक क्वांटिटीज का, कितनी क्वांटिटीज लगनी है, तो उसके बेसिस पे आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में या कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो चीज़ भी आप यहाँ से पता कर सकते हो, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड। ठीक